मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते आज के कुछ खास खबरें। वारिस पठान की टिप्पणी पर फडणवीस का बयान। वारिस पठान की सांप्रदायिक टिप्पणी पर शिवसेना की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने चूड़ियां पहन कर रखी है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगी। बीजेपी को अल्पसंख्यकों पर गर्व है, लेकिन वह किसी लावारिस को नहीं छोड़ेगी। फडणवीस के तंज पर आदित्य ठाकरे का जवाब। आईएमआईएम नेता वारिस पठान की सांप्रदायिक टिप्पणी पर शिवसेना की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सवाल पर पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर जवाब देते हुए कहा कि आमतौर पर मैं टिप्पणी नहीं करता, कृपया अपनी चूड़ियों वाली टिप्पणी को लेकर माफी मांगे। चूड़िया महिलाओं द्वारा पहनी जाती है और वह उनकी शक्ति का प्रतीक है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन हमें इस धारणा को बदलने की जरूरत है। पूर्व सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वहीं वारिस पठान ने अपने विवादित बयान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है। दिल्ली हिंसा के बाद मुंबई में अलर्ट। सीएए को लेकर दिल्ली में जारी हिंसा के बाद अब महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय ने मुंबई में अलर्ट जारी किया है। आजाद मैदान के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।